बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। वर्डप्रेस में सिंपल इमेजेस ब्लॉक्स के साथ साथ हम अदर इमेजेस ब्लॉक को भी यूज़ में ला सकते हैं, जिसमें हम इमेजेस के ब्लॉक्स को और भी डिटेल में यूज़ करने के बारे में जान सकते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम इमेजेस को चेंज करने वाले हैं, यानी कि मेरे पास ये जो पर्टिकुलर इमेज का ब्लॉक है, मैं इसे चेंज करने वाला हूँ अदर इमेजेस ब्लॉक में, जैसे कि इमेज गैलरी का ब्लॉक हो गया, कवर इमेज का ब्लॉक हो गया। हम इन दोनों को बारी बारी से चेकआउट करने वाले हैं कि कौन सा ब्लॉक किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। इमेज को चेंज करने के लिए या किसी भी ब्लॉक को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक के अंदर, उसके लिए आपको इमेज को सिलेक्ट करना है। टॉप के टूल बार पर सबसे पहला ऑप्शन, जिसे चेंज ब्लॉक टाइप और स्टाइल के नाम से आप टूल टिप देख सकते हैं, इसे क्लिक करके अगर आप सिंपली कवर के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, इस ब्लॉक पर क्लिक करते हैं, तो आप इमेज को कवर के तौर पर क्रिएट कर पाएंगे। जैसे ही आप कवर के ब्लॉक पर क्लिक करते हैं, आपके सामने एक टेक्स्ट फील्ड अवेलेबल हो जाएगी, जिसके बैकग्राउंड में इमेज लगी होगी और जो इमेज होगी वो थोड़ी सी ब्लैकिशनेस की ओपेसिटी के साथ, थोड़ा सा उसमें ब्लैक ब्लैक कलर होगा इमेज के अंदर ओवरले की ओर, तो आपको इमेज कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। मैं यहाँ पर सैम्पल टेक्स्ट फिलअप करता हूँ, जिसे मैं हेडिंग में कन्वर्ट करूँगा। अभी मेरे पास ये ब्लॉक पैराग्राफ में कन्वर्टेड है, मैं इसे हेडिंग में कन्वर्ट करता हूँ। कन्वर्ट करने के लिए टॉप बार के फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करें एंड हेडिंग के ब्लॉक पर क्लिक करने के बाद आप उसे हेडिंग कुछ इस तरह से दे सकते हैं। इसे मैं सेंटर लाइन रखता हूँ और अब अगर मैं अपडेट करके इसका प्रीव्यू देखना चाहता हूँ तो कुछ इस तरह से मुझे इमेज देखने को मिलती है। अभी मेरे पास पिछली इमेज और अब की इमेज में ये डिफरेंस है कि पिछली इमेज मेरी पूरी फुल स्क्रीन में दिख रही थी और उस पर किसी भी तरह का ब्लैक कलर नहीं था बैकग्राउंड में और ना ही उसके ऊपर टेक्स्ट था, लेकिन अब की इस ब्लॉक में हम इसे स्टाइल के तौर पर, फ्रंट इमेज के तौर पर हम इसे यूज़ में ला सकते हैं, जिसमें बैकग्राउंड में इमेज है एंड देन थोड़ी सी ब्लैक ओवरले है ताकि टेक्स्ट की ओर फोकस कराया जा सके विजिटर को। और सैम्पल टेक्स्ट जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप इसे हेडिंग, पैराग्राफ या लिस्ट किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका कवर के तौर पर इमेजेस को यूज़ किया जाने वाला ब्लॉक है। इसे मैं सबसे टॉप पर रखता हूँ, इस हेडिंग के टॉप पर। इस टॉप पर ले जाने के लिए आपको सिंपली इसे ड्रैग करना है टॉप की तरफ, तो इस तरह से आप इसे टॉप पर मूव कर पाएंगे। आप जैसे ही ब्लू सॉलिड लाइन देखते हैं जिस अलाइनमेंट में, आप उसे वहाँ पर लेफ्ट क्लिक को छोड़ देंगे तो आपकी ये जो ब्लॉक है ये टॉप की तरफ मूव हो जाएगा कुछ इस तरह से। मैं इसमें कंट्रोल जेड करता हूँ क्योंकि अभी मुझे जो ब्लॉक मूव करना था वो पूरी की पूरी कवर को ब्लॉक मूव करना था, लेकिन मैंने हेडिंग को मूव कर दिया था। मैं कवर को ब्लॉक करने के लिए सिंपली कवर पर सेलेक्ट करता हूँ और इस बार मैं बाय ड्रैगिंग ना करके इन एरोज़ को यूज़ में लाता हूँ, तो मैं अपने इस ब्लॉक को कुछ इस तरह से टॉप पर देख पाऊंगा। मुझे इसके भी टॉप पर ये ब्लॉक चाहिए, तो मैं इसके लिए इस एरो टॉप के आइकन पर क्लिक करता हूँ और अब अगर मैं इसका प्रीव्यू देखता हूँ तो मुझे ये जो ब्लॉक है वो इस तरह से टॉप पर दिखता है। अब हम इसकी बाकी की सेटिंग्स को देख लेते हैं। मैं सिंपली इस ब्लॉक को क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप सबसे पहला ऑप्शन कवर, जो कि इस ब्लॉक को ओवरव्यू के तौर पर डिस्क्रिप्शन आपको दिखाता है, ये वर्डप्रेस द्वारा प्रोवाइडेड है। एंड हमारा ये ऑप्शन है मीडिया सेटिंग्स के नाम से, जिसकी अगर मैं सेटिंग्स को एक्सेस करता हूँ, मैं इसे ऑन करता हूँ फिक्स बैकग्राउंड, तो कवर ब्लॉक पर क्लिक करने के बाद ब्लॉक सेक्शन में आप यहाँ पर सबसे पहले तो ब्लॉक को ओवरव्यू दे सकते हैं, फिर आपके पास मीडिया सेटिंग्स नाम से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें आपका ये ऑप्शन और है फिक्स बैकग्राउंड के नाम से। अगर मैं इसे ऑन करता हूँ, ऑन करते ही अपडेट करके अब अगर मैं इसका प्रीव्यू देखता हूँ तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉक बन जाता है हमारा, जो कि आजकल की वर्डप्रेस की वेबसाइट में अट्रैक्टिवनेस के तौर पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं ड्रॉप डाउन अगर करता हूँ तो आपकी इमेज जो कि बैकग्राउंड में वो फिक्स हो चुकी है और जो आपका टेक्स्ट है वही मूव कर रहा है। एक इंटरेक्टिव टेक्स्ट के तौर पर आप इसे यूज़ में ला सकते हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव एंड इफ़ेक्टिव टेक्निक है वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट को अच्छी प्रेजेंटेशन देने के तौर पर। एंड इसके बाद मैं अगले ऑप्शन की तरफ चलता हूँ। अगले ऑप्शन में मैं इसकी डायमेंशंस को मैनुअली सेटअप कर सकता हूँ यहाँ से कुछ इस तरह से, यानी कि आपको इमेज की हाइट जितनी चाहिए आप उतनी सेटअप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे 300 सेलेक्ट करता हूँ, 300 पिक्सल्स। अपडेट करके जो प्रीव्यू देखने वाला है वो हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। हमारी जो विड्थ है इमेज की, ये इस पूरे ब्लॉक की, ये कम हो गई है। इसके साथ अगले ऑप्शन की तरफ मैं ऑप्शन इसे कलेप्स कर देता हूँ इसे भी, और ओवरले यानी कि आपके बैकग्राउंड के ऊपर जो ओवरले लगा हुआ है ब्लैक कलर का, उसकी ओपेसिटी को, उसके कलर को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अगर कस्टमाइज
अगर अपने अकॉर्डिंगली कोई कलर देना चाहते हैं तो कस्टम कलर के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंगली कलर भी सेटअप कर सकते हैं। तो ये आपका ओवरले है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बैकग्राउंड के ऊपर ओवरले एंड देन टेक्स्ट अवेलेबल है, तो आपकी इमेज कुछ इस तरह से आपको दिखती है। इसकी ओपेसिटी को मैनेज करने के लिए आपको ओपेसिटी कम करने के लिए लेफ्ट की तरफ ड्रैग करना पड़ेगा, ओपेसिटी बढ़ाने के लिए राइट की तरफ, जिसके चेंजेस आप विजुअली स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस तरह से ओवरले का ऑप्शन भी हमारे पास विजिबल है। एडवांस टैब में आप इसकी सीसेस को अप्लाई कर सकते हैं, वाया कोडिंग अगर चेंज करना चाहते हैं तो उसे चेंज कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद है इमेज की अलाइनमेंट। अगर आप इमेज की अलाइनमेंट को राइट रखना चाहते हैं तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा ये। लेफ्ट रखने पर आपको ये लाइव चेंजेस आप इस तरह से देख सकते हैं। हमारा जो कवर टेक्स्ट है, जो कवर इमेज ब्लॉक है, वो लेफ्ट में चला जाता है और जो टेक्स्ट कंटेंट है वो ड्रैग होकर राइट की तरफ डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। मैं इसे अपडेट करता हूँ और प्रीव्यू देखते हैं तो आपको ये इमेज कुछ इस तरह से दिखती है। तो इस तरह से आप इमेज ब्लॉक को यूज़ में ला सकते हैं अट्रैक्टिवली अपने कंटेंट को दिखाने के लिए। आप चाहें तो इस इमेज पर अपनी एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं और सेंटर में आप अपना टेक्स्ट भी फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम अगले ब्लॉक की तरफ चलते हैं। अगले ब्लॉक में मैं इमेजेस की गैलरी की ओर फोकस करना चाहूँगा। इमेज ब्लॉक को ऐड करने के लिए सिंपली प्लस साइन पर क्लिक करें और यहाँ से मैं सर्च करता हूँ गैलरी। गैलरी के ब्लॉक को ऐड करेंगे क्योंकि इमेज रिगार्डिंग ब्लॉक है, तो मैं इसमें इमेज की गैलरी ऐड ऑन कर सकता हूँ। यानी कि मेरे पास अगर एक से ज़्यादा इमेजेस को मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे पास बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ इवेंट फ़ोटोज़ हैं, सेलिब्रेशन फ़ोटोज़ हैं, कुछ अचीवमेंट फ़ोटोज़ हैं जो कि एक से ज़्यादा हैं, तो मैं उसे एज अ गैलरी रिप्रेजेंट करके अपने पेज पर ऐड ऑन कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे अगर अपने कंप्यूटर में से पिकअप करना है तो मैं अपलोड के बटन पर क्लिक करके अपनी पीसी में से उससे सेलेक्ट करूँगा। अदरवाइज़ मैं मीडिया गैलरी में जाकर जो ऑलरेडी अपलोडेड इमेज है मैं उसे ही गैलरी के तौर पर सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करते ही आप क्रिएट ए न्यू गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक करें बटन पर और इंसर्ट गैलरी के बटन पर क्लिक करते ही आपकी गैलरी कुछ इस तरह से इंसर्ट हो जाएगी। ये गैलरी रिस्पॉन्सिव गैलरी है, इसमें नंबर ऑफ आइटम्स के साथ साथ वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली इसमें एडजस्टमेंट कर देता है कि कौन सी फोटो किस तरह से रिप्रेजेंट करनी है। गैलरी की कॉलम्स को घटाने या बढ़ाने के लिए आप उसे कम या ज़्यादा करने के लिए इस स्लाइडर का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इमेजेस की ब्लॉक्स को भी घटाया बढ़ा सकते हैं। अगर इमेजेस को क्रॉप नहीं करना चाहते तो इस बटन को ऑफ करें तो आपकी इमेजेस जैसी हैं वैसी ही दिखेंगी, लेकिन मैं इसे क्रॉप रखता हूँ क्योंकि इसमें मेरी इमेजेस की अलाइनमेंट अच्छी दिखती है। लिंक टू नन का मतलब अभी जब हम किसी भी इमेज पर क्लिक करें तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अपडेट करके मैं इसका प्रीव्यू आपको दिखाता हूँ। अब मेरे पास ये जो गैलरी अवेलेबल है वो कुछ यहाँ पर इस तरह से अवेलेबल है। मैं इसमें से किसी भी इमेज पर क्लिक करता हूँ तो मुझे कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिल रहा। अगर मैं चाहता हूँ कि इसे इमेज को पर्टिकुलर लिंक देना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर अटैचमेंट पेज को सिलेक्ट करना है ताकि किसी किस पेज से अटैच है उसका पता लग सके। अगर मुझे सिंपली मीडिया फाइल पर क्लिक करके मैं इसे अपडेट करता हूँ तो अपडेट करने के बाद आप इस इमेज पर क्लिक करते हैं तो आपकी इमेज फुल स्क्रीन में कुछ इस तरह से ओपन होगी। तो इस तरह से आप इमेजेस में गैलरी के इस ब्लॉक को यूज़ में ला सकते हैं। इसके साथ साथ गैलरी के इस ब्लॉक की अलाइनमेंट बनाने के लिए भी आपको यहाँ से लेफ्ट सेंटर राइट कहीं भी आप इसे सेटअप कर सकते हैं। वाइड या फुल विड्थ रखने पर अपडेट करने पर आप जब इसका प्रीव्यू देखेंगे तो आपको फुल विड्थ में ये गैलरी कुछ इस तरह से दिखेगी। इसके साथ साथ मैं एक और ब्लॉक के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा कि अगर आप इमेज के साथ साथ कंटेंट को भी दिखाना चाहते हैं, यानी कि आपके पास लेफ्ट या राइट साइड में इमेज अवेलेबल हो और उसके साथ कंटेंट अवेलेबल हो, तो दोनों को एक ही कॉलम में दिखाने के लिए आपको प्लस साइन पर क्लिक करना है और एक ब्लॉक ऐड करना है इसमें मीडिया एंड टेक्स्ट के नाम से, जिसमें आप लेफ्ट साइड में पर्टिकुलर इमेज को ऐड ऑन कर पाएंगे और राइट साइड में आप अपने कॉन्टेंट को लिख पाएंगे, जो कि पैराग्राफ भी हो सकता है, हेडिंग भी हो सकती है और सब हेडिंग भी हो सकती है विद डिस्क्रिप्शन। तो इस तरह से आप इमेज और टेक्स्ट दोनों को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे हेडिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ, अपडेट करता हूँ और इसका प्रीव्यू मुझे इस तरह से दिखता है। तो ये मेरा जो अगला ब्लॉक है आप इसे भी यूज़ में ला सकते हैं। ये बिल्कुल नॉमिनल ब्लॉक, बिल्कुल नॉर्मल ब्लॉक है जिसे समझने में काफ़ी आसानी हो सकती है, जिसे समझना बहुत आसान है। आप इसमें लेफ्ट साइड में कॉन्टेंट आप इसमें लेफ्ट साइड में इमेज और राइट साइड में कॉन्टेंट को ऐड ऑन कर सकते हैं और अपडेट करने पर अपनी जो पेज है उसे अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं।